वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे Uh, जिसमें हम ल्यूमिनेसनस का कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम एक्सरे फिल्म्स पढ़ेंगे उनका स्ट्रक्चर या जिसमें हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीनज़ पढ़ेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीनज के टाइप्स पढ़ेंगे या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का स्ट्रक्चर uh, भी हम इसमें डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी देखिए अगर हम स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी की बात करेंगे ना स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी इज द टाइप ऑफ रेडियोग्राफी मेक्स यूज ऑफ एंड विद इन कैसेट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट टू बी एंड एक्सपोज टू एन एक्सरे बीम बेसिकली जो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी होती है ये एक रेडियोग्राफी का ऐसा टाइप होता है जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हम एक्सरे फिल्म्स और का यूज करते हैं। और ये जो एक्सरे फिल्म है? है या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है जिसको हम कैसेट uh, में रखते हैं और इसको हम कहां पर प्लेस करते हैं बिहाइंड ऑब्जेक्ट टू बी इमेज यानी Uh, यहां पे ऑब्जेक्ट का मतलब है पेशेंट जो पेशेंट होता है पेशेंट के बिहाइंड रखते हैं ठीक है एंड एक्सपोज्ड टू एन एक्सरे बीम उसके बाद जो एक कैसेट है जिसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होते हैं एक्सरे फिल्म होती है इसको हम एक्सपोज करते हैं एक्सरे बीम से तो जब हम एक्सपोज करते हैं हम इस कैसेट uh, को एक्सरे बीम से उसके बाद ये जो फिल्म है इनको हम प्रोसेसिंग करते हैं क्या करते हैं प्रोसेसिंग सो नाउ दीज फिल्म आर प्रोसेसड फॉर द इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इनको प्रोसेसिंग करते हैं ठीक है नाउ Uh, I will uh, again repeat this concept that what is screen film radiography. तो word root से भी आपको पता चलता है term से भी आपको पता चलता है हम intensifying screen का ka use करते हैं और X-ray film का ka use करते हैं इनको हम रखते हैं कैसेट में और उसके बाद प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट यानी पेशेंट के बिहाइंड उसके बाद हम इनको एक्सपोज करते हैं तो एक्सपोज एक्सरे बीम से करने के बाद हम क्या करते हैं इन फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं ताकि इमेज uh, फॉर्मेशन हो जाए ठीक है हां नाउ यहां पे एक कंसेप्ट uh, आता है दैट इज ल्यूमिनसेंस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को पढ़ने के लिए आपको ल्यूमिन कंसेप्ट का uh, होना बहुत जरूरी है सीखना बहुत जरूरी है नाउ अस मूव टू द कंसेप्ट दैट इज ल्यूमिनसेंस तो अगर हम ल्यूमिनसेंस की बात करेंगे ल्यूमिनसेंस रेफर्स टू द इमिशन ऑफ लाइट बाय अ सबस्टेंस कॉज्ड बाय स्ट्यूमिलाई सच एज लाइट केमिकल रिएक्शन और आयोनाइजिंग रेडिएशन ठीक है तो ल्यूमिन का मतलब क्या होता है देखिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर हमारे पास कोई सबस्टेंस है ठीक है अब हम इस सबस्टेंस को क्या करेंगे इसको कोई सच एज वो क्या हो सकता है लाइट हो सकती है केमिकल रिएक्शन हो सकती है या आयोनाइ रेडिएशन हो सकती है ठीक है तो अब इस सबस्टेंस को हमने स्ट्यूमलाई दिया इन द फॉर्म ऑफ लाइट केमिकल रिएक्शन और आयोनाइजिंग रेडिएशन तो ये जो सबस्टेंस है ये क्या करता है इट इमिट लाइट ये लाइट को इमिट करता है और उसी प्रोसेस उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं तो luminescence का मतलब क्या होता है जब किसी को हम क्या करते हैं देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट केमिकल रिएक्शन और आयोनाइजिंग रेडिएशन तो वो जो सबस्टांस होता है वो लाइट को इमिट करता है एंड दैट वेरी इमिशन ऑफ लाइट बाय द स्टूमलाई सच एज लाइट सच एज केमिकल रिएक्शन और आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट वेरी इमिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ल्यूमिन आई होप गाइस कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा तो चलिए यहां पे मैंने इस इलेस्ट्रेशन से आपको अच्छे से समझ आएगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सबस्टानस है कोई भी सबस्ट तो मैंने इस पर लाइट डाली यामिकल रिएक्शन करवाई या आयोनाइिंग रेडिएशन डाली ठीक है तो अब जो ये सबस्ट है यह लाइट को प्रोड्यूस करता है और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ल्यूमिनसेंस है ना ल्यूमिन के खुद दो टाइप्स होते हैं ठीक है ल्यूमिनेसेंस के दो टाइप्स होते हैं तो अब यहां पे जो लाइट प्रोड्यूस हुई ठीक है हां तो ये जो लाइट प्रोडक्शन है इसी के बेसिस पे हम ल्यूमिनेसेंस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज फ्लोरेसेंस फर्स्ट इज फ्लोरेसेंस एंड सेकंड इज फॉस्फोरेसेंस सेकंड इज फॉस्फोरेसेंस अब अगर ये जो लाइट यहां पे प्रोड्यूस हुई अगर ये प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस होना उसका मतलब क्या है कि बहुत जल्दी प्रोड्यूस हुई यानी हमने यहां से दिया तो वहां से लाइट इनस्टेंटेनियसली प्रोड्यूस हुई कितने टाइम में विदिन टेन रेज द पावर माइनस एट सेकेंड ऑफ सिटूमेशन सिट्यूमुलेशन के बाद इतने ही टाइम में अगर क्या हुआ लाइट प्रोड्यूस हुई

Uh, दूसरा केस यह हो सकता है कि अगर यहां पे यह जो लाइट प्रोड्यूस हुई यह डिले हो गई इसका जो प्रोडक्शन है वो डिले हो गया आफ्टर टेररेज पावर माइनस एट सेकंड टेररेज टू द पावर माइनस एट सेकंड के बाद प्रोड्यूस होगी ठीक है तो इसका मतलब है कि यहां पे जो लाइट प्रोडक्शन uh, है वो इनस्टेंटेनियस नहीं है वो डिलेड है तो एट दैट टाइम जो यहां पे ल्यूमिनिसेंस हुई जो यहां पे लाइट लाइट प्रोडक्शन हुई लेकिन डिलेड तो उसको हम बोलते हैं फास्ट तो फास्ट का मतलब अब क्या है इफ द लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड डिलेड बियॉन्ड 10 रेजिस्टेड पावर -8 सेकंड देन इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिसेंस मैं फिर से रिपीट करूंगा कि स के दो टाइप्स हैं जो लाइट प्रोड्यूस होती है ना ऑन दैट बेसिस कि ये लाइट जल्दी प्रोड्यूस हो गई या डिलेड प्रोड्यूस हो गई उसके बेसिस पे हम को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं फ्लोरिसनस एंड फॉसफोरिस फ्लोरिस का मतलब क्या होता है कि अगर जो लाइट प्रोड्यूस हुई ये इंस्टेंटेनियसली प्रोड्यूस हुई यानी इन लेस देन 10 रेज इट द पावर माइनस एट सेकेंड ऑफ स्ट्यूमुलेशन एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज फ्लोरिसनस अब अगर यही लाइट प्रोड्यूस हो गई बट बियॉन्ड टेन रेज पावर माइनस एट सेकेंड यानी आफ्टर टेन रेज पावर माइनस एट सेकेंड तो आईसी लाइट प्रोडक्शन डिलेड है एंड दिस लाइट प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फास्फोरिसनस लेकिन अगर हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की बात करेंगे फास्फोरिसनिस का कोई रोल नहीं होता है तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी uh, में किसका यूज होता है फ्लोरिसेन्स फ्लोरिसेनस इज वेरी यूजफुल इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी ठीक है हाँ देखिए तो क्या हुआ यहां पे अब रेडियोलॉजी में क्या होता है अगर हमारे पास कोई सबस्टेंस है अब हम रेडियोलॉजी में क्या करते हैं किसी सबस्टानस पे रेडिएशन डालते हैं क्या डालते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन तो वहां पे लाइट इमिट होती है क्या होती है लाइट इमिट होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमिन क्या बोलते हैं इसको हम ल्यूमिन एंड uh, यहां ये यह लाइट जो प्रोड्यूस होते हैं

जिस पे रेडिएशन पड़ी और इसने फिर क्या किया लाइट इमिट की इस सबस्टेंस को हम बोलते हैं फास्फर क्या बोलते हैं इट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि ऐसा सबस्टेंस अब रेडियोलॉजी में जिस पे आयोनाइजिंग रेडिएशन पड़ी और इस सबस्टेंस ने क्या किया लाइट इमिट की दिस सबस्टेंस इज कॉल्ड एज फॉस्फर तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी दबस्टेंस विच आर स्टिम्युलेटेड बाई आइजिंग रेडिएशन ऐसे सबस्टेंसेज जिनको हम स्टूमुलेट कैसे करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन से एंड इमिट लाइट और गिव लाइट और इन सबस्टेंस ने क्या किया लाइट इमिट की लाइट इमिट की लाइट बाहर दी तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं फास्फोरस क्या बोलते हैं फास्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट तो अब अगर हम रेडियोग्राफी की बात करेंगे रेडियोग्राफी में एक इंपॉर्टेंट फॉस्फर यूज होता है दैट इज कैल्शियम टंगस्टेट दैट इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो मैंने अभी बोला डेफिनेशन में ठीक है हाँ तो दूसरा एक फॉस्फर यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज सीजियम आयोडाइड दैट इज कॉल्ड एज सीजियम आयोडाइड एंड दिस फॉस्फर स्कोपी कहां पे इसको हम यूज करते हैं फ्लारोस्कोपी में फ्लारोस्कोपी में हम एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं इमेज इंटेंसिफायर और उसी इमेज इंटेंसिफायर में हम सीजियम आयोडाइड एज ए फॉस्फर यूज करते हैं ठीक है हाँ गाइज ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन तो आगे जाके मुझे फ्लारोस्कोपी भी पढ़ानी है आपको तो उसमें हम इमेज इंटेंसिफायर का डिजाइन uh, हम काफी अच्छे से सीखेंगे ठीक है हां दिस इज ऑल अबाउट लूमिन नाउ देखिए बेसिकली जो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी है ना पहले भी मैंने डेफिनेशन में uh, बोला कि यहां पे किस किस चीज का यूज होता है सबसे पहले यहां पे इंटेंसिफाइंग uh, स्क्रीन का यूज होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज होता है दूसरा इसमें हम एक्सरे फिल्म का यूज करते हैं तीसरा इसमें हम कैसेट का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इमेज रिसेप्टर ठीक है और फाइनली यहां पे ग्रिडिस एंटी ग्रिडिस ग्रिड्स का भी यूज होता है तो आप प्ले में जा सकते हो मैंने अच्छे से एंटी ग्रिडिस ग्रिड्स पढ़ाए हैं तो वो मैं अब यहां पे रिपीट नहीं करूँगा मैंने बोला कि यहां पे क्या क्या हमने आ, हम पढ़ने वाले हैं यहां पे कौन कौन सा चीज यूज होता है यहां पे क्या क्या यूज होता है सबसे पहले यहां पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज होते हैं नंबर सेकंड एक्सरे फिल्म का यूज होता है एक्सरे फिल्म का यूज होता है नंबर थर्ड यहां पे कैसेट का यूज होता है एंड नंबर फोर यहां पे ग्रिड्स का यूज हो, होता है तो ग्रिड्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं ठीक है हाँ तो ग्रिडिस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है तो आप उस डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके ग्रिडिस पढ़ सकते हैं तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? फिल्म्स, कैसेट्स। इनको हम करेंगे इनके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल डिस्कशन होगी इनकी ठीक है सो हाँ। फर्स्ट so, ऑफ ऑल वी विल uh, डिस्कस हेयर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ठीक है हा आप भी नोट डाउन कीजिए Intensifying Intensifying देखिए अगर हम uh, radiological image की बात करेंगे ना, जो होती वो कैसे बनते है? तो पे पे आप देखो, यहां पे मैंने ट्यूब लिया एक्सरे ट्यूब से प्राइमरी रेडिएशन इमिट हुई तो यहां से क्या आई प्राइमरी रेडिएशन अस सपोज दिस इज द पेशेंट दिस इज द पेशेंट ठीक है हाँ और यहां पे मैंने क्या रखा यहां पे मैंने फिल्म रखी क्या रखी एक्सरे फिल्म दिस इज एक्सरे फिल्म और एक्सरे फिल्म के आ, साथ बेस ये बेस है इसकी और इमल्शन लेयर होता है जो इसका मैं आगे अच्छे से डिटेल डिटेल में समझाऊंगा यहां पे एक्सरे फिल्म लेकिन यहां पे आप फिलहाल इतना याद रखो कि एक्सरे फिल्म में क्या होता है इमल्शन लेयर इमल्शन लेयर ठीक है हां तो ये पेशेंट है तो अब यहां से प्राइमरी रेडिएशन आई ना वो किस पे पड़ी आ, वो पेशेंट पे पड़ती है ठीक है हां अब पेशेंट में क्या होता है इस प्राइमरी रेडिएशन से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है कुछ स्कैटर होती है यानी एटिनेशन होती है यहां पर लेकिन कुछ इस पेशेंट से बाहर भी आती है तो जो इस पेशेंट से बाहर आती है ये वाली रेडिएशन इन रेडिएशन को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन क्या बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन और यू कैन से एग्जिट रेडिएशन क्या बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन और एग्जिट रेडिएशन और पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है जिस पार्ट का हमें रेडियोग्राफी करना होता है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इसी ट्रांसमिटेड रेडिएशन में होती है या एग्जिट रेडिएशन में होती है और एक बात ट्रांसमिटेड uh, रेडिएशन के बारे में जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है जिसमें इंफॉर्मेशन uh, होती है पेशेंट की तो ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन इनविजिबल होती है हमारी आइज को हमारी आइज में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि हम इसको देख सके सो इट इज इनविजिबल दिस ट्रांसमिटेड और एग्जिट रेडिएशन इट इज इनविजिबल टू आवर आईज ठीक है तो अब हमें देखना है ना इस इन्फॉर्मेशन को सो so हम कुछ डिटेक्टर्स लगाते हैं आगे तो यह ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिटेक्टर पर हम एक्सरे फिल्म को रखते हैं ठीक है हाँ अब अगर हम क्या करेंगे जो इमोशन है ना इमोशन इमोशन इज मेड ऑफ सिल्वर है यहां से आपको पता ही है कि जो सिल्वर है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है है ना बहुत ही एक्सपेंसिव जैसे गोल्ड सिल्वर ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं तो अगर हम यहां पे क्या करेंगे अगर हम यहां पे सिल्वर का थिन लेयर यूज़ करेंगे क्या करेंगे थिन लेयर यूज तो यहां पे क्या होगा रेडिएशन को उतना चांस नहीं है कि वो इन सिल्वर को ब्रेक डाउन करे और इमेज फॉर्म करे क्योंकि थिन लेयर में रेडिएशन ज्यादा देर नहीं रह सकती ठीक है हाँ तो यहां पे हम आ, हमें फिर क्या करना होगा यहां पे हमें जो इमल्शन लेयर है जो कि किसका बना होता है सिल्वर हेलाइड ग्रेन का इसकी थिकनेस हमें बढ़ानी होगी तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होगी ठीक है हाँ तो आ, क्या होगा थिक लेयर में क्या होगा थिक लेयर में ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन इसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो आ, सिल्वर को ब्रेक डाउन करे ठीक है, है और यहां पर इमे, इमेज फॉर्मेशन होगी तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं हम क्या करते हैं हम इस एक्सरे फिल्म को हम इस एक्सरे फिल्म को एक डिवाइस में रखते हैं यह एक्सरे फिल्म है इसको हम एक डिवाइस के अंदर रखते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या बोलते हैं

यहां से अब रेडिएशन आई और ये क्या है ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, हाँ, तो फौ, इंटेंस स्क्रीन पे पड़ेगी नहीं पहले पे पड़ेगी ना तो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इसको क्या करता है ये इसको कन्वर्ट करता है मल्टीपल लाइट फोटॉन्स में बहुत सारे लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करता है ठीक है एक बात आप यहां पे याद रखिए कि जो एक्सरे फिल्म है ना इसको हम डायरेक्टली रेडिएशन से भी एक्सपोज कर सकते हैं या इनडायरेक्टली लाइट से भी एक्सपोज कर सकते हैं ठीक है हाँ। तो यहां पे मल्टीपल फोटॉन्स निकलेगी ठीक है हां देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि अगर हम एक एक्सरे फोटोन अगर एक एक्सरे फोटोन फॉस्फर पे पड़ेगा ना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे पड़ेगा ना तो वहां पे हंड्रेड टू थाउजेंड लाइट फोटॉन्स आर इमिटेड कितने लाइट फोटॉन्स निकलते हैं हंड्रेड टू थाउजेंड ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब अगर हम यहां पे अब क्या करेंगे थिन इमल्शन रखेंगे तो वो भी चलेगी क्योंकि ऑलरेडी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ने क्या काम किया इसने एक एक्सरे फोटॉन को बहुत सारे लाइट फोटोन में कन्वर्ट किया है कि नहीं हाँ तो दूसरा यह है कि अब अगर हम थिक यूज करेगी थिक इमल्शन तो थिक इमल्शन से क्या होता है कि थिक इमल्शन तो एक्सपेंसिव है तो थिन करेगी यूज तो फिर डोज हमें बढ़ाना है ताकि रेडिएशन अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाए तो अब हमने क्या किया इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज किया तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से यह प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि हम लेस पेशेंट डोज यूज कर सकते हैं रेडिएशन डोज हम बहुत कम यूज कर सकते हैं उसकी यहां पे इंटेंसिफिकेशन होगी मल्टीपल लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस हो गए तो हमें लेस डोज यूज करना होगा ठीक है यूज करना पड़ेगा तो तीसरा यह है कि यहां पे जो क्या हुआ यहां पे जो मल्टीपल लाइट फोटोन निकले एक एक्सरे फोटोन से तो मल्टीपल लाइट फोटोन निकले उससे क्या हो जाता है एक्सपोजर टाइम भी डिक्रीज होता है तो यहां से आपने सीखा कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ना तीन चीजें इनसे होती हैं तीन चीजें इनसे होती हैं नंबर फर्स्ट क्या है कि इट रिड्यूस पेशेंट डोज सबसे पहले ये पेशेंट डोज को कम करता है करता कि नहीं हां तो क्योंकि मैंने बोला कि एक एक्सरे फोटोन नियर अबाउट हंड्रेड थाउजेंड लाइट फोटोन प्रोड्यूस करता है uh, कहां पे फॉस्फर ठीक है हां दूसरा यह है कि इमल्शन थिकनेस कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड इनसे दूसरी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि थिकनेस भी रिड्यूस को यूज कर सकते हैं थिन में हमें कम ही सिल्वर लगेगा। कम ही ही लगेगा लगेगा तो यह प्रोसेस एक्सपेंसिव नहीं रहेगी ठीक है थर्ड क्या है कि इससे क्या होगा एक्सपोजर टाइम भी डिक्रीज होगा एक्सपोजर टाइम भी डिक्रीज होगा कि मोशन ब्लरिंग डिक्रीज होगी पेशेंट में मोशन ब्लरिंग डिक्रीज होगी पेशेंट में ठीक है नाउ व्हाट इज एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक ऐसा इंटेंसिफिकेशन डिवाइस स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में यूज होता है uh, जो कि क्या करता है नंबर फर्स्ट इट रिड्यूस डोज एंड बाय इट थिन इमलशन कैन बी यूज और यू कैन से इमल्शन थिकनेस कैन बी रिड्यूसड एंड थर्ड पॉइंट एक्सपोजर टाइम डिक्रीजेस एक्सपोजर टाइम डिक्रीजेस दिस इज ट इज एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड वट इट डी तो क्या रखा टाइम ऑल्सो डिक्रीजेज विच एम्प्लॉइज की क्या -क्या uh, जो मोशन ब्लरिंग है वो भी डिक्रीज हो सकती है ठीक है हा दिस इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन गाइज इसके बाद हम क्या देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वो हम इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन गाइज आज का जो टॉपिक है आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा अगर किसी को कोई डाउट होगा इसमें तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे वो अपनी क्वायरी डाल सकता है बाकी मेरी चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके कलीग्स को भी हेल्प हो जाए फी अमान